बात करेंगे बड़ी खबरों की। राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। मोहन यादव ने हमला बोलते हुए कांग्रेस पर कहा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। एमपी में चारों तरफ मोदीमय वातावरण है, कांग्रेस के अंदर निराशा का माहौल है। कमलनाथ के एक सहयोगी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है, चुटकी ली है और कहा है कि कमलनाथ के एक सहयोगी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में निराशा का माहौल है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। एमपी में चारों तरफ मोदीमय वातावरण होने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही। से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़े। छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने किस तरह कांग्रेस पर चुटकी ली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। मृतांशी जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मृतांशी, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पर हमले बोल रही है, चुटकी ले रही है, इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए दीपक, अब से कुछ ही दिन बाद पूरे देश भर में लोकसभा चुनावों का पहला चरण शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव है और ऐसे में देखिए पहले चरण की जो पूरी चुनावी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जो है जो आखिरी दौर है पहले चरण का वो चल रहा है। और यहाँ पर उन्होंने देखिए ये बात कही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अभी आने वाले दिनों में दौरा भी है, तो उन्होंने ये बात कही है कि चारों तरफ मोदीमय वातावरण है। हालांकि कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कई सीटों पर जो है वो कांग्रेस हार की ओर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने बयान के जरिए तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों की कुछ स्थिति है, जो टिकट तय नहीं हो पा रहे थे और उसके बाद जो है कल जिस तरह से चीजें देखने को मिली है पिछले कई दिनों में, जो दौर रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि निराशा का माहौल है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में लगातार जो है वो नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, चाहे दीपक सक्सेना हो या फिर उसके अलावा सैयद जाफर जो कमलनाथ के करीबी है वो आकर शामिल हुए, तमाम जो नेता छिंदवाड़ा से आकर शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, क्योंकि खुद भी मुख्यमंत्री लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे हैं और बीजेपी छिंदवाड़ा को फतह करने की तैयारी में जुटी हुई है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार विपक्षी दल पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस खबर पर जुड़ने के लिए।